मैं कविता वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आप नंबर सिस्टम में क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज में जैसे आपने पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर पर डिपेंड जो क्वेश्चन हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन पर अलग अलग क्वेश्चन दोनों को अलग अलग में पढ़ा था, तो सो हमने नेक्स्ट टाइप बनाया है टाइप नंबर 5, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं। तो इस आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन दोनों रूल देखने को मिलेगा। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, क्या है हमारे पास संख्या, कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी उसका गुणनफल आता है वो कह रहे हैं न, उसके सभी अंक न होते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम लोग कोई एक संख्या है, माना वो संख्या क्या मान लें कि अभीष्ट संख्या मान लें, क्या अभीष्ट संख्या एक्स है, तो अभीष्ट संख्या हमारे पास एक्स है, कह रहे हैं उसमें अगर 13 से गुणा करते हैं तो 13 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उसके सभी अंक 9 के होंगे। इसका मतलब हमें 9, तो 13 से कम मल्टीपल है तो ऑब्वियसली 9 से ज़्यादा होगा, 9 9 9, इस तरह से हमारे कितने भी अंक क्या हो सकते, मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी हमारे पास संख्या है जिसमें हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी गुणनफल आएगा वो हमारा उस गुणनफल के सभी अंक क्या होंगे, 9 होंगे। तो 9 9 9 वो कितने भी हो सकते हैं, तो वो हमें अभीष्ट संख्या निकालनी है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ पे कुछ नहीं, संख्या हम लोगों ने एक्स मान रखी है, अब ये 13 इधर मल्टीपल में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हमारे पास माना वो संख्या क्या है, एक्स, तो एक्स इक्वल टू हमने अगर निकालेंगे तो 13 को क्या करें, इधर मल्टीप्लीकेशन इधर डिवाइड में जाएगा, तो 9 9 9 9, यह कितना भी अंकों का हो सकता है। इसको हम लोग इस क्वेश्चन में इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कि 2 अंकों का 4 अंकों का 6 अंकों का, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो हम लोग जाएंगे अपने ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं उनमें से जो भी डिवाइड करने के बाद मिलता है, जो भी देखिए यहाँ पर 5 5 अंकों के दिए गए हैं, तो हमें इट मीन्स 6 अंकों का लेना पड़ेगा। तो आइए बात कर लें, तो 13 को ले जाएंगे यहाँ पर, तो आपके पास 13 7 91, ये पे आपको मिलेगा 8 और 13 6 78 हो जाएगा ये आपके पास, इसको अगर करेंगे तो 11 आएगा, और आपके पास 13 9 117 हो जाएगा, 117, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2, इधर आ जाइए यहाँ पर 2, फिर अगला 9 लेंगे 29 आएगा, तो 13 2 26 हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 3, फिर एक और आपका, जब तक ये कहीं भी पूरा कट ना जाए, और देखना भी है हमें ऑप्शन में कितने अंकों के ऑप्शन दिए गए हैं, 5 अंकों के, एटलीस्ट हमारा जो भागफल आएगा वो 5 अंकों तक हमें लेकर जाना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो 13 3 39 यहाँ पे पूरा कट भी गया है, और ऑप्शन जो भागफल भी हमारा है 5 अंकों का आ चुका है, देखिए 76 923, तो ये हमारा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है, कोई एक ऐसी संख्या है जो हमें लेनी है जिसमें 13 से अगर गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा क्या होता है, गुणनफल के जितने भी अंक प्राप्त होंगे वो सभी क्या होंगे, 9 होंगे, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो ठीक है, 13 हमने मान लिया संख्या हमारी x है, x में हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो जो भी गुणनफल आएगा उसके सभी अंक जो होंगे 9 ही होंगे, तो 9 9 9 लिख दिया हमें, तो संख्या निकालनी है, कुछ नहीं भाई, इधर ये 13 मल्टीपल में तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल सा है, डिवाइड करेंगे आप अपने डिवाइड के अकॉर्डिंग, जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे 5 अंकों का मिल रहा है तो एटलीस्ट 6 अंकों का आप ले लीजिए, तो जो भी आएगा आपका ये इस तरह से सोल्यूशन आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के बात बोली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये भी नंबर सिस्टम पर ही बेस्ड है। क्वेश्चन हमारे पास है, 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन हम लोग ऊपर करते हैं, माना संख्या क्या है, माना संख्या a, b है, क्या कह रहे हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है, a इंटू बी इक्वल टू 9375, तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, तो इसमें से हम कोई भी एक, अभी तो हमें पता नहीं कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, तो बड़ी एक कोई मान लेते हैं, a वाली माना क्या है, ये बड़ी संख्या है, a बड़ी है, तो
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, मीन्स दैट बड़ी संख्या ए है तो छोटी हमारे पास क्या हो जाएगी बी है, को भाग देने पर भागफल क्या आता है 15 आता है। तो संख्या का योग जो हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी क्या होगा, इट मीन्स हमें ए और बी पहले निकालना है फिर उसको आपस में ऐड कर देना है। यह क्वेश्चन आपका SSC 2004 में पूछा गया है, तो सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से क्या करिए, ए निकाल लीजिए, ए इक्वल टू हो जाएगा क्या 15 बी, इसको माना सपोज दैट इक्वेशन फर्स्ट बना रहे हैं, तो ए इक्वल टू 15 बी उठा के आप यहाँ रख दीजिए, आपको ए की जगह क्या रखना है 15 बी, 15 इंटू बी इंटू बी इक्वल टू 9375, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, इसको 9375 डिवाइडेड बाई 15, 15 से भाग दे देंगे तो 15 छक्का आपके पास 90, 3, 15 दूना 30, 15 पचे 75, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 625, 625। ये आपका किसी का वर्ग है देखें, तो ये आपका किसका वर्ग है 25 का, तो बी इक्वल टू 25 आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर से आप यहाँ बी निकालेंगे तो ऐसे करेंगे 625 जो कि वर्गमूल है किसका 25 का। एक संख्या हमारे पास आ चुकी है बी बराबर 25, ठीक है ए बराबर निकाल लें, ए इक्वल टू हमारे पास क्या 15 इंटू 25, बी की वैल्यू यहाँ से उठाकर इस वाले में रख देंगे 25 आ जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 15 पचे 75 आपके पास, और 15 दूना 30 सात 37, 375 ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी अभी तो हमें और भी काम करना ना, ए प्लस बी पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू अलग अलग नहीं पूछ रहा है, तो संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो एक संख्या आई है 375, मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 375 प्लस 25 इक्वल टू 400, तो हमारे पास ए प्लस बी क्या आएगा 400, योग पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, इसी पर बेस्ड बात आपसे, हो सकता हो इनका अंतर पूछ ले, हो सकता हो आपका सिर्फ एक और दोनों संख्याओं को अलग अलग पूछ ले कि बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, संख्याओं का अंतर बताइए, संख्याओं का योग बताइए, इनमें आपसे कोई भी गणितीय संक्रिया करवा सकता, मीन्स दैट कोई भी ऑपरेशन आपसे लगवा सकता, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, हो सकता हो डिवाइड का, तो इन्होंने पहले ही दे दिया है डिवाइड का रूल, आप इन्होंने तो अपना पहले से रिलेशन दे रखा, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, आपसे अलग अलग कुछ भी पूछ सकता है। तो 400 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा है दो संख्या धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है, क्या है 11520 है, और उनका भागफल 9/5 है, हो तो दोनों संख्याओं का अंतर, इसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या निकाला था, योग निकाला था, अभी आपसे क्या पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर सेम वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, माना हमारे पास संख्याएं क्या क्या है, संख्या हमारे पास ए कॉमा बी है, अभी यहाँ पे छोटी बड़ी कुछ नहीं बोला है आपसे, आपसे सिर्फ संख्याओं की बात किया है, तो संख्याएं हम लोग ले रहे हैं क्या ए और बी, तो ए इंटू बी पहले जो शर्त हमारे पास दिया है गुणनफल 11520 है, कह रहा उनका भागफल मींस ए अपॉन बी इक्वल टू 9/5, तो ठीक वैसे प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह किया जाए, तो ए इक्वल टू बी को हम लोग इधर लेकर जाएंगे 9 × b/5, तो इसी ए की वैल्यू उठाकर हम लोग कहेगा यहाँ पे रख दें, आइए तो हो जाएगा 9/5 × b इक्वल टू 11520, ये आपके पास आएगा, तो देखिए 5 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 9 इधर मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड हो जाएगा, b इंटू बी आपके पास क्या निकलेगा बी स्क्वायर निकलेगा इक्वल टू 11520 × 5/9, तो आपके पास इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर कट कर लें, तो ये हो जाएगा 5 × 10, 5 × 25, 1 × 26 = 6, 5 × 5 = 7, ये हो जाएगा इतना, आइए कट करते हैं, तो आपके पास आएगा ये 9 × 6 = 54, 3 × 9 = 36, ये आएगा इतना, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 6000
400, ठीक है। तो देखिए 8 2 64, तो मतलब क्या आएगा, बी आपके क्या आएगा 80, 80 गुणे 80 करेंगे तो 6400 आएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो 20 का दीजिए 8 2 64, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। आइए यहाँ पे बी मिल गया है तो यहाँ से चाहे ए निकाल लीजिए, तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या है 9 × b, बी की वैल्यू कितनी है 80/5, जिसको कट करेंगे तो 5 × 5 5 6 30, आपके पास आएगा ये ए इक्वल टू अगर निकालें 144 आएगा। तो ये मिल गया, ए मिल गया और हमारे पास बी मिल गया, ए इक्वल टू 144। बस प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे योग निकलवाया था, तो यहाँ पर क्या निकलवा रहा है, अंतर निकलवा रहा है। अंतर याद रखिएगा हमेशा, चाहे ए बड़ा आए ए में से बी को माइनस करिएगा, चाहे बी बड़ा आए, आपका कहने का मीन्स दो है, जो भी संख्या बड़ी आएगी छोटी संख्या उसमें से घटाना है। यहाँ पे कोई भी संख्या ना तो छोटी को कहा है ना ही कोई बड़ी कहा, हमारे पास आया तो 144 - 80 कर लेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा क्या आएगा यहाँ पर 44 आ जाएगा आपके पास, 64 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपसे चाहे इसे इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, योग अंतर और आपस में उनका गुणा और भाग तो दिया ही है, तो अलग अलग संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों संख्याओं का आपका योग और अंतर इस तरह से पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आप लोग खुद करेंगे और करके हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सब कुछ वही है, सेम उसी पर बेस्ड है, आप लोग इसको खुद करिए और इसको करने के बाद आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए अब इसी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी नंबर सिस्टम है, टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, चाहे आप टाइप बदल लेंगे नहीं तो उसमें कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। लिखा दो अंकों की संख्या पुनरावृत्त से बनी चार अंकों वाली संख्या, आपका सदैव किससे विभाजित होगी, इस तरह के उसके लिए छोटा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर कोई संख्या कहता है, जैसे माना हमने संख्या के लिए ली, माना संख्या हमारे पास है एक्स, तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं कि एक अंकों की रहेगी तब कैसे आपका किससे विभाजित होगा, दो अंकों की रहेगी तो उनकी पुनरावृत्ति। अगर हमने कोई संख्या एक अंकों की संख्या ले ली है, इसकी पुनरावृत्ति से बनाएंगे तो एक अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति बनाएंगे तो क्या होगा, वही जैसे कहने का मतलब है अगर हमने एक ले रखा, ठीक, या फिर दो ले रखा है, तीन ले रखा है, इसी की पुनरावृत्ति करेंगे तो पुनरावृत्ति मैंने कर दी दो की, पुनरावृत्ति मतलब फिर से वही लिख दीजिए। अब इससे क्या संख्या बनी 22, एक अंकों की संख्या लेंगे और उसकी पुनरावृत्ति करने पर दो अंकों की जो संख्या होगी वो सदैव किससे विभाजित होगी, वो सदैव 11 से विभाजित होगी। हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से आपसे कुछ पूछ सकता है। तो एक अंकों की संख्या याद रखना है, पुनरावृत्ति के बाद यहाँ पर दो अंकों की संख्या ही बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, दो अंकों की संख्या। बात को फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, अगर कोई एक संख्या हम लोग लेते हैं उसकी पुनरावृत्ति करके, एक हमने क्या लिया दो लिया, उसकी पुनरावृत्ति करके हमने दो अंकों की संख्या क्या बनाई 22, या जैसे 3 ले लिया इसकी पुनरावृत्ति करके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 33, 4 ले लिया पुनरावृत्ति करके बनाएंगे तो क्या बनेगा 44। इस तरह से हम कुछ भी ले लें, 99 97 जो भी लेंगे आप, देखिए क्या होगा, सेम आपका क्या बन रहा, 9 लिया पुनरावृत्ति करने के बाद 99 बना, 7 लिया पुनरावृत्ति करने के बाद 77 बना, तो आपके बाद ये किससे डिवाइड होगा 11 से, हमेशा याद रखिएगा, ये किससे डिवाइड होगा हमेशा याद रखिएगा किससे। तो इस तरह से बात अगर पूछे कि कोई एक अंकों की संख्या को या कोई एक संख्या की पुनरावृत्ति करने के बाद दो अंकों की संख्या हम बनाते हैं तो सदैव 11 से विभाजित होती है। अब यहाँ हमसे बात कर रहा है कि दो अंकों की पुनरावृत्ति से बनी चार अंकों की संख्या, एक अंक लेंगे तो पुनरावृत्ति करके दो अंकों की संख्या बनाएंगे, दो अंक लेंगे तो पुनरावृत्ति करके चार अंक बनाएंगे। अब माना हमने दोनों संख्या क्या ले ली, x और y ले लिया, ठीक है, क्या लिया x और y, तो हमारी चार अंकों की संख्या क्या बनेगी पुनरावृत्ति करके x और y, मीन्स दैट कह ले x इक्वल टू माना 2 ले लिया, y इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है। अब क्या लिया 2 3, इसकी पुनरावृत्ति करोगे 2 3, कितने अंकों की बनी, चार अंकों की संख्या बन गई हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह की संख्या आपकी सदैव विभाजित किससे होगी, एक्स वाई इंटू
101 से सदैव विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि एक्स वाई का जो मल्टीपल होगा वो उससे हमेशा विभाजित होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई का मल्टीपल क्या है, 101। तो हमने कहा था एक अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करके दो अंकों की संख्या बनाएंगे तो 11 से विभाजित होगी, दो अंकों की संख्या लेकर पुनरावृत्ति करके चार अंकों की संख्या बनाएंगे तो 101 से विभाजित होगी। चेक कर लीजिए, अगर देखिए क्या 2323 ये आपकी बनी 101। इसको लेकर जाएंगे तो दो बार जाएगा 202, यहाँ पर आएगा 303, देखिए तीन बार गया 303। लेकिन यहाँ पर आपको जो रूल याद रखना है, एक अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करोगे तो दो अंकों की संख्या बननी चाहिए, दो अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करोगे तो चार अंकों की संख्या बननी चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 101 या आरबी 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा गया है नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, कहाँ पूछा गया है मुझे याद नहीं आ रहा कहीं, लेकिन किसी कंपटीशन में पूछा गया है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तीन अंकों की, यहीं पर आपसे चेंज कर दें, क्या कहते हैं, तीन अंकों की पुनरावृत्ति से अब छः अंकों की संख्या बनेगी, वो किससे सदैव विभाजित होगी, तो वो भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हमने क्या कहा, अब हमारे पास संख्या क्या है, एक्स वाई और जेड हो गई, सपोज दैट तीन अंक हो गया, अब इसकी पुनरावृत्ति से बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड। तो ये किससे मल्टीपल, आप अभी ये कह रहे हैं एक्स वाई जेड ये आपका हमेशा 1001 से विभाजित होगी। याद रखें दो अंकों के लिए 11, अगर दो अंकों की संख्या बनती है तो एक अंक लेकर पुनरावृत्ति करने पर, और दो अंक पुनरावृत्ति लेकर बनने पर चार अंकों की संख्या बनेगी वो 101 से, और तीन अंकों की संख्या लेकर अगर उनकी पुनरावृत्ति से बनाएंगे तो हम यहाँ पर कितने अंकों की संख्या बनेगी, छः अंकों की संख्या बनेगी, तो वो सदैव 1001 से कटेंगे। आइए जैसे चेक कर लें, तो जैसे मैं 2, 3, 4 ले लिया, ठीक फिर क्या बनेंगे, 2, 3, 4 इसको आइए डिवाइड करते हैं 1001, तो कितनी बार जाएगा, दो बार, तो यहाँ बना आपके पास, अब यहाँ पर हमारे पास कितनी बार जाएगा, तीन बार, तो ये बनेगा 3003, ये आपके पास देखिए चार बार 4004, इस तरह से कट गए। अब इस तरह से अगला कॉन्सेप्ट ले सकता है, आपके पास पूछ सकता है, इस तरह के बहुत पूछते हैं, कुछ है नहीं आपको बस याद रखना है एक छोटा सा, तीन अंकों की रहेगी तो, अब चार अंकों की रहेगी तो उनके पुनरावृत्ति से आठ अंकों की संख्या बनेगी। तो जैसे ए बी सी डी, चार अंक हमने ले लिया, इनकी पुनरावृत्ति करोगे तो क्या, ए बी सी डी, कहने का मतलब मानो ले लिया 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमने चार अंक ले लिए, अब इनकी पुनरावृत्ति से हमें जो संख्या बनेगी वो आठ अंकों की बनेगी। तो वो आठ अंकों की संख्या में देखिए वो किससे विभाजित होगी, आइए देखते हैं, ये हम आपको इस तरह से करके दिखा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट एक बन जाए, एक आपके अंदर माइंड में इमेज बन जाए कि हमेशा ये इस तरह से विभाजित होगी। अब यहीं पर बात हम लोग कर लें, अगर चार अंकों की संख्या, चार अंकों की संख्या लेने के बाद और उनका अगर हम लोग रिपीटेशन कर दें, तो जैसे हमने ए बी सी डी लिया, इनका रिपीटेशन करके पहले क्या क्या बनेगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो जैसे कहने का मतलब ले लें 2, 3, 4, 5, चार अंक ले लिए, इनको रिपीट करके क्या बनाएंगे संख्या हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बनाएंगे। अब ये हमारे पास कितना, वो 1001 से कटी थी, ये 10001 से कटेंगे, आइए भाग दें, आपके पास दो बार जाएगा तो 1, ये आपके पास आया तो यहाँ पर बनेगा 2 times जाएगा 2, ये होगा ये आपका। अब यहाँ से अगर हम लोग 3 ले लें तो 3 times जाएगा 3, ये आपका 0054, यहाँ पर हम लोग 4 को ले लें तो ये आपके 4 times जाएगा 4, 0004, ये हो गया 000, यहाँ पर बना 5, ये आपका कैंसिल हो गया, फिर 5 को उतारेंगे ये जाएगा 5 times, तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि देखिए अगर चार अंकों की लेंगे तो आपका 10001 से, आप अगर तीन अंकों की लेंगे 1001 से, दो अंकों की लेंगे 101 से, एक अंकों की लेंगे 11 से, इस तरह से याद रखिएगा।
यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम आपको ट्रिक से बता दें याद करने के लिए, चार अंकों के लेंगे एक और एक लगाइएगा, एक जीरो बीच में कम लगाइएगा। तीन अंकों के लेंगे तो आप दो जीरो लगाएंगे, दो अंकों के लेंगे तो एक जीरो लगाएंगे, एक अंकों के लेंगे तो बीच में कोई जीरो नहीं लगाएंगे। ये आपका छोटा सा ट्रिक टाइप का समझ लीजिए। इस तरह से आपका बैंक और SSC में पूछता है और कहीं भी नंबर सिस्टम जहाँ भी आपको पूछा जाता है उन सभी जगहों पर इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी संख्या को तीन से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? संख्या को तीन से भाग देने पर शेष एक आता है। जब इसी संख्या को दो से भाग देते हैं तो क्या आता है? शेषफल एक आता है। यदि प्रारंभिक संख्या, फिर उसी संख्या को हम लोग, उस सेम संख्या है जिसको तीन से भाग दे रहे हैं तो शेषफल एक आ रहा है, उसी संख्या को दो से भाग दे रहे हैं तो भी शेषफल हमारे पास एक आ रहा है, और कह रहे हैं यदि प्रारंभिक संख्या को छः से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा क्या आएगा? तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि हमारा जो शेष पूछ रहे हैं तो अभीष्ट शेषफल आएगा जो वो होता है प्रथम शेषफल। प्रथम शेषफल का मतलब है कि उसी संख्या को पहले भाजक से भाग देने पर जो भी हमारे पास भाग शेषफल आए तो वो प्रथम शेषफल हो गया, प्लस द्वितीय शेषफल, इसका मतलब दूसरी संख्या से भाग देने पर जो हमारे पास शेषफल आया, गुणे प्रथम भाजक। ये हमारे पास क्या है? ये भाजक है पहला भाजक, ये हमारे पास दूसरा भाजक है, ठीक है, ये हमारे पास तीसरा भाजक है जिसके लिए हमसे आंसर पूछ रहा है। ये हमारे पास कौन सा? तीसरा भाजक है जिसके लिए हमसे आंसर पूछ रहा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अभीष्ट शेषफल बराबर होता है प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक। तो आपका पहले पास इसी फॉर्मूले को उठा कर रखें, अब शेषफल हमें निकालना है तो प्रथम शेषफल हमारे पास क्या आया है? एक आया है। क्या है? एक। प्लस द्वितीय शेषफल हमारे पास क्या आया है? यहाँ पर फिर से एक आया है। और प्रथम भाजक हमारे पास क्या है? प्रथम भाजक क्या है? जो आगे वाला लिखा रहेगा वो हमारे पास प्रथम भाजक हुआ, ये हमारे पास द्वितीय भाजक हुआ, और तृतीय भाजक के लिए हमसे आंसर पूछ रहा है। तो गुणे क्या लिखना है? प्रथम भाजक थ्री आएगा। क्या? वन प्लस फोर, सॉरी थ्री, थ्री वन जा थ्री इक्वल टू फोर। अब देखिए हमारे पास जो संख्या आई है वो चार आई है। अब देखें अगर इस तरह से शेषफल की बात करें, कभी कभी क्या होता है कि ये तो अगर इसको हम छः से भाग देंगे चार को, याद रखिए ये कटेगा नहीं, उससे छोटा है, तो यही हमारा शेष हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाता है। यही पर अगर हमारे पास संख्या थोड़ी बड़ी आ जाती, सपोज दैट 14 आ जाती, सपोज दैट यहाँ पर चार के बजाय 14 आ जाती, तो हम लोग इसको 6 से भाग देते, फिर जो शेषफल आता वो बात करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो पहले ही 6 से छोटा नंबर, याद रखें जो भी भाजक दिया है अगर हमारे पास उससे छोटी संख्या प्राप्त होती है तो वही हमारी सदैव शेषफल हो जाती है। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह वो उसमें भाग एक भी बार जाएगा ही नहीं, अगर जाएगा नहीं तो यही हमारा क्या हो गया? शेष हो गया। ठीक, आइए इसी पर बेस्ड एक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी पर बेस्ड है, फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्या है कि कह रहे हैं यहाँ पर, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से चार और पाँच से भाग देने पर, अब हमारे पास चार क्या है? प्रथम भाजक हो गया। क्या है? प्रथम भाजक। और पाँच हमारे पास क्या है? द्वितीय भाजक हो गया। यहाँ पर इन्होंने भाजक को एक साथ लिख दिया है और शेषफल को एक साथ कर दिया है, और तब ये जो आगे दिया है ये हमारे पास चार के लिए शेष हो जाएगा और ये चार जो है पाँच के लिए शेष हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर संख्या को पाँच और चार से क्रमिक रूप से भाग दिया जाए तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा? तो बात करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अभी हमने बता डिस्कस किया था, अभीष्ट शेषफल इक्वल टू प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो प्रथम शेषफल हमारे पास क्या है? वन प्लस द्वितीय शेषफल क्या है? फोर। और प्रथम भाजक क्या है? फोर। ये निकल कर आएगा वन प्लस सिक्सटीन इक्वल टू सेवनटीन। देखिए सेवनटीन क्या है? पाँच और चार से भी विभाजित हो सकता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको शेषफल
नहीं घोषित कर सकते हैं। तो अगर हम 17 को 5 से भाग देंगे, 17 को 5 से अगर हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा, और यहाँ पर 15 2, ये क्या है, ये हमारे पास एक शेष मिल चुका है। याद रखिएगा, अब जो आपके पास क्रमिक भाग जो होता है, एक हमें शेष मिल चुका है पहली बार में। अब जो हमारे पास पहली भाजक से संख्या को भाग देने पर जो भागफल आता है, उस भागफल को हमें दूसरे से भाग देना है, दूसरी वाली संख्या से भाग देना है। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, पहली तो इन्होंने 5 कहा था, ठीक है, हमने भाग दे दिया, एक हमें शेष मिल चुका है, एक हमें शेष मिल चुका। अब क्या है, दूसरी भाजक जो हमारे पास है वो 4 है। तो जो क्रमिक भाग होता है, जो दूसरा भाग फल आया है, उसी से हमें भाग देना। तो देखिए, 3 हमारा क्या है, 4 से छोटा है, यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा शेष बन जाएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर आया होता तब तो हम भाग देते। सपोज दैट यहीं पर जैसे मान लीजिए आपके पास 27 होता, सपोज दैट, आया नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, तब हम आपको क्रमिक भाग बता रहे हैं, हमारा 5 से देना पड़ता, तो क्या करते, 5×5=25 ले जाते, आपके क्या हो जाता, ये तो पहला शेष मिल गया, आपको क्रमिक रूप से शेष बताना है। ये हमारे पास 5 से भाग देने पर क्या मिला, शेष 2 मिला। अब भागफल क्या मिला हमें, 5 मिला। अब इस 5 को हम किससे भाग देंगे, अगली संख्या हमारे पास भाजक में क्या है, 4 है, तो कितनी बार जा रही, 1, 4, तो यहाँ पर शेष क्या मिलेगा, दूसरा शेष हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। होप सो आप क्रमिक जो है भागफल समझ पा रहे होंगे कि क्रमिक भागफल क्या होता। क्रमिक भागफल का मतलब है कि जो भी संख्या दी गई है उसको पहले भाग दीजिए, जो शेष आता वो आपका पहला भाग हो गया, पहले भाजक का शेषफल हो गया, फिर उसका जो भागफल आता है, इसका जो भागफल आता है उसको हम लोग दूसरे भाजक से भाग करेंगे, तो जो शेष आता वही हमारा दूसरा शेषफल होता है। होप सो आप बात क्लियर समझ गए होंगे कि क्रमिक रूप से भाग क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला शेष 2 और फिर क्या आया है, दूसरा 3, दूसरा शेष हमारे पास क्या आया, 2 और 3। इस तरह से आप अपने ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये तो दो संख्याएं थी, 2 भाजक और 2 शेषफल था। अगर यहीं पर हमारे पास दे दे 3 भाजक और 3 शेषफल, तब क्या होगा, तब हमारा इसी फार्मूले में थोड़ा सा और अंतर हो जाएगा। आइए उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे 2 संख्याओं का, 2 शेषफल पर बात कर रहे थे। अभी हमारे पास जो भाग देने के लिए कितनी संख्याएं हैं, कितने भाजक हैं, 3 भाजक हैं, और शेषफल भी हमारे कितने हैं, तो 3 है। अब यहाँ पर जो है हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो अभीष्ट शेषफल आएगा, तो आगे के 2 के लिए तो वही हो जाएगा क्या, प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल पूरे प्रथम भाजक प्लस जो आपके पास आएगा प्लस तृतीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, तृतीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक, सॉरी आप तृतीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। ये हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, देखिए हमारे पास क्या क्या दिया गया, प्रथम शेष यह हो गया 1 प्लस द्वितीय शेष अगेन 1 इंटू प्रथम भाजक 2, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड भाजक है और ये थर्ड भाजक है। ये फर्स्ट शेष है, ये सेकंड का शेष है और ये थर्ड का शेष है, ठीक है, थर्ड का। तो क्या क्या है, प्रथम शेषफल हो गया, द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक, ठीक है, प्लस तृतीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, ठीक है। फॉर्मूले में थोड़ा सा और आप ऐड करेंगे, अब तक आपके पास हुआ करता था जब 2 संख्याओं को भाग देने पर 2 शेषफल आते थे, तो प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक होता था। अभी 3 है तो आपके पास प्रथम शेषफल, द्वितीय शेषफल और तृतीय शेषफल, इस तरह से द्वितीय शेषफल के साथ आपको प्रथम भाजक को मल्टीप्लाई करना है और तृतीय शेषफल के साथ आपको प्रथम और द्वितीय भाजक दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जो नंबर आपके पास आएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 2, ये होगा
सिक्स 36, तो ये आपके पास आएगा 39, ये आपके पास आ गया क्या नंबर। आप कह रहे हैं तो संख्या को 42 से भाग देने पर, 42 से भाग देंगे तो 39 ऑलरेडी आपका क्या है 42 से छोटा है, तो यही आपका शेष हो जाएगा। हमने कहा है जब कोई भाज्य आपकी भाजक से छोटी होती है तो वही भाज्य संख्या ही क्या कहलाती है शेष। ये हमारे पास भाज्य हुआ और ये भाजक है, ठीक है। जब कोई भाज्य भाजक से छोटा होता है तो यही हमारा क्या बन जाता है शेषफल बन जाता है, तो हम लोग को भाग नहीं दे पाएंगे और यही हमारा शेषफल हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। होप सो बात समझ आई होगी, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ाना है, तृतीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, ठीक है। अब आपके लिए एक हम क्वेश्चन देते हैं जिस पर आप वर्क करेंगे और आपके लिए ये है इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर हमें ज़रूर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है, हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। यदि किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2 और 1 प्राप्त हो रहा है, उसी संख्या को 28 से भाग देने पर आपका शेषफल क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 4, 6, 8 और 10। तो आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला आपके पास वही है क्या, अभीष्ट शेषफल इक्वल टू आपके पास है क्या प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक। सेम उसी फॉर्मूले पर आपका ये क्वेश्चन लगेगा, जहाँ पर ये आपके पास क्या है फर्स्ट भाजक है, ये सेकंड भाजक है, ये आपके पास सॉरी ये फर्स्ट भाजक है, ये सेकंड भाजक है, ये फर्स्ट शेषफल है और ये दूसरा आपका शेषफल है। तो फॉर्मूले पर रखिएगा और आप अपना क्वेश्चन करके आंसर हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप लोग अपना कमेंट जरूर किया करिए जिससे हमें पता चलता रहे कि आप वीडियो को देख भी रहे हैं और बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। होप सो आपको हमारी आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।